पीटीआई के हवाले से यूपी की सियासत की बड़ी खबर, अखिलेश किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस के सदस्यता अभियान का होगा आगाज, जयपुर में अजय माकन और गोविंद डोटासरा करेंगे शुरुआत, 5 महीने में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। राज्य सरकार का दिवाली गिफ्ट, दीपावली पर मिलेगा रोडवेज कर्मियों का बोनस, हर कर्मचारी को मिलेंगे 7,000 रुपए। धोखाधड़ी के मामले में एसबीआई का पूर्व चेयरमैन प्रतीप चौधरी गिरफ्तार, जैसलमेर पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, 2015 में दर्ज हुआ था मामला। पेट्रोल और डीजल दोनों में 41-41 पैसे की बढ़ोतरी, श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 122 के पार, आम आदमी के जेब पर बढ़ा बोझ। नहीं रुक रही महंगाई की मार, पहली बार कमर्शियल सिलेंडर हुआ 2000 के पार, 266.50 रुपए की बढ़ोतरी। भरतपुर के नदबई में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क पार करते वक्त वाहन की टक्कर से दादी और 4 साल की पोती की मौत। झुंझुनू के सूरजगढ़ में नगरपालिका चेयरमैन और ईओ के बीच विवाद जारी, ईओ सुमेर सिंह को बर्खास्त करने की मांग, पार्षदों के साथ धरना दे रही चेयरमैन पुष्पा देवी। यूपी के मुरादाबाद में पीएम आवास योजना के तहत सबको आवास हमारा प्रयास कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी बोले यूपी में सबको मिला आवास, विपक्ष पर साधा निशाना। आज से दिल्ली के सभी स्कूल खुले, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल भी खुले, वैक्सीनेशन के बिना स्टाफ को नो एंट्री।